हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हरियाणा के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ते ही उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपडेट होते ही आप तक पहुंच सके। आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसमें आंसर होगा, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1091, यानी 1091। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी था? तो इसमें आंसर होगा, अग्रगण की राजधानी था अग्रोहा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो इसमें आपका आंसर होगा, माधवगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ जिले में है और यह सतनाली सड़क मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि माधवगढ़ का किला किस मार्ग पर है, तो इसमें आपका आंसर होगा, सतनाली सड़क मार्ग पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका आंसर होगा, कोल कैथल जिले के अंतर्गत आता है। महाभारत में अर्जुन के साथ युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया यहीं पर फंस या धस गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयभानु हंस की प्रिय लिपिक विधा या फेवरेट राइटिंग कौन सी है? तो इसमें आपका आंसर होगा, उदयभानु हंस की फेवरेट राइटिंग है काव्य लेखन और उदयभानु हंस हरियाणा के राज्य कवि है। इन्हें रुबाई सम्राट के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है। इनकी रचनाएं हैं देशा में देश हरियाणा, हंस मुक्तावली, भेड़ियों के डंग, शंख और सेनाई और संत सिपाही महाकाव्य के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से निराला पुरस्कार भी प्राप्त है। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि देशा में देश हरियाणा की रचना किसने की, तो उसमें आपका आंसर होगा, देशा में देश हरियाणा की रचना उदयभानु हंस ने की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसमें आपका आंसर होगा, अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। 26 जनवरी 1556 को सीढ़ियों से गिरकर बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू या हेमचंद्र ने 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और स्वयं को विक्रमादित्य के नाम से सुशोभित किया। हेमू रेवाड़ी का निवासी था। इसी के साथ ही 5 नवंबर 1556 को अकबर की मुगल सेना, जिसका नेतृत्व बैरम खान के द्वारा किया गया, और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई और दिल्ली पर फिर से मुगल साम्राज्य आ गया। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि हेमू कहाँ का निवासी था, तो उसमें आपका आंसर होगा, हेमू रेवाड़ी का निवासी था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो उसमें आपका आंसर होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? इसमें आपका आंसर होगा, मारकंडा नदी प्रमुख रूप से कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। यह नदी अंबाला कुरुक्षेत्र जिलों से प्रवाहित होती हुई सरस्वती नदी में मिल जाती है। आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था, तो इसमें आपका आंसर होगा, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर के शासन में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? या अगर आपका क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो इसमें आंसर होगा, अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल और अकबर हुमायूं का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो इसमें आंसर होगा, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान
किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो इसमें आंसर होगा बोर सैदान, मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आंसर है गोरा नामक पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आंसर होगा मटिया किला पलवल में स्थित है। पलवल के किले को ही मटिया किला बोला जाता है। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, पल में मिट गया, पल से आप याद कर सकते हैं पलवल, और मिट गया से आप मटिया किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? हरियाणा के मैक्सिमम रेतीले भागों में फव्वारों द्वारा सिंचाई होती है, और हरियाणा में रेतीले भाग भिवानी, सिरसा, हिसार और महेंद्रगढ़ जिले में आते हैं। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी महेंद्रगढ़। रेतीले भागों में वर्षा नहीं के बराबर होती है, और यहाँ की प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गेहूं है, जिनकी सिंचाई नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का क्या नाम था? तो इसमें आंसर होगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का नाम था विलियम फोर्ड, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें मे भी आंसर हो सकता है एम आर फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें आंसर है कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी के क्वेश्चन आते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जीटी रोड भी शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, और सिल्वर कॉइन रुपया नामक सिक्का भी शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? तो इसमें आंसर होगा हरियाणा में आम की बागवानी प्रमुखतः अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर, सोनीपत और पानीपत जिले में होती है। तो इसमें आंसर होगा महेंद्रगढ़ जिले में आम की बागवानी नहीं होती है। अगर आपका क्वेश्चन आए कि राज्य में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उसमें आंसर होगा राज्य में सर्वाधिक उत्पादन आम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो इसमें आंसर होगा फतेहाबाद नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और हेमचंदर यानी हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसमें आंसर होगा पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, और इसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमचंद्र मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो इसमें आंसर होगा 1014 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन नगरों पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, तैमूर ने हिसार, सिरसा तथा फतेहाबाद नगरों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार सागर के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर होगा विचार सागर के लेखक है निश्चल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? तो इसमें आंसर होगा महाभारत का वास्तविक नाम है जय संहिता। महाभारत से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो इसमें आंसर होगा महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें आंसर होगा इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी है। मेगस्थनीज सेल्युकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में आया था। इंडिका पुस्तक में मेगस्थनीज ने यहाँ के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन
और सेवन क्लास सिस्टम का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल खोखरा कोट किस जिले में है? तो इसमें आंसर होगा खोखरा कोट रोहतक जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर होगा अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक है सुमेर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार कला व संस्कृति के उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी यस्तिलिक चंपू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756-57 के दौरान हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? तो इसमें आंसर होगा 1756-57 के दौरान हरियाणा मराठों के अधिकार में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे नव मुस्लिम कहा जाता था? तो इसमें आंसर होगा मंगल को नव मुस्लिम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे के प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए महादेव गोविंद रानाडे को किसने प्रभावित किया? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के किले की स्थापना एवं निर्माण किया था? तो इसमें आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई? तो इसमें आंसर होगा जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बहरामपुर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो इसमें आंसर होगा 1014 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1809-1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो इसमें आंसर होगा 1809-1810 के दौरान समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना जाता था? तो इसमें आंसर होगा युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता था, और इसके अलावा इंद्र को वर्षा का देवता भी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? यानी इक्वेटर है, उसके पैरेलल जो इमेजिनरी लाइंस है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है या अक्षांश कहा जाता है। और जो रेखा है जो इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, यानी देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें आंसर होगा मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के साथ कौन जुड़े हुए थे? तो इसमें आंसर होगा लॉर्ड लिंथिगो। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिंथिगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे? तो इसमें आंसर होगा अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ज्यादातर किसके साथ जुड़ी हुई थी? तो इसमें आंसर होगा एनी बेसेंट ज्यादातर होम रूल आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम स्थित है? तो इसमें आंसर होगा गुरुग्राम में सराय अली वर्दी की मस्जिद स्थित है, बाकी लाल मस्जिद, काजी की मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद किस मुगल शासक के काल में बनवाई गई थी? तो इसमें आंसर होगा रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी कौन थे? तो इसमें आंसर होगा धन्वंतरी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, तो आंसर होगा बी चिकित्सक। आपका पहला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया था? तो इसमें आंसर होगा कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो इसमें आंसर होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त फर्स्ट ने स्थापित किया था। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस किले का सर्वप्रथम निर्माण किया गया? तो इसमें आंसर होगा सेंट जॉर्ज का किला, और यह 1644 में बना था, जो उस समय के मद्रास में था। आज मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कब कर्क रेखा के ऊपर रहता है? तो इसमें आंसर होगा सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? तो इसमें आंसर होगा, मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा के कैथल के परगने में थी। बाबर के शासन के अंतिम दिनों में हरियाणा के कई क्षेत्रों में विद्रोह हुए, जिनमें सबसे भयानक विद्रोह 1530 में कैथल में हुआ था और इसका नेतृत्व मोहन सिंह मंडार के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में बाबर ने इस मोहन सिंह मंडार के विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के पर्यटक निकोलो कोंटी विजयनगर राज्य में किसके शासनकाल में आए थे? तो इसमें आंसर होगा, निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसमें आंसर होगा कैथल। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिस की पुत्री व भारत के एकमात्र साम्राज्ञी रजिया सुल्तान व उसके पति का मकबरा कैथल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार का प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो इसमें आंसर होगा, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के हिसार जिले को ही अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सकें।